प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी दुख तकलीफों को खत्म कर दे, अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत और खुशपाश अपने घरों में रखे। आज मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी एक वजीफा आप लोगों के लिए शेयर किया था कि बुरे शोहर और ससुराल, बुरे ससुराल से बचने का नायाब वजीफा है कि ससुराल में बहुत से मसले ऐसे होते हैं जो बेटी है अपने वालदैन से भी शेयर नहीं कर सकती। अगर वो करें भी तो बेचारी कहीं से भी वालदैन, जाहिर है कि माँ बाप का दिल होता है, वो तैश में आ जाता है, तो वो उनको समझाएं तो किसको समझाएं? उसके शोहर को नहीं समझा सकते, उनके जो माँ बाप। और लड़के के अंदर तो जो है कि वो ये होता है कि अगर कोई अपनी बीवी अपने शोहर को बता भी होती तो वो कहते कोई नहीं, जाने दो, गुजारा करो ये वो, या फिर अपनी मतलब कि कोई बर्दाश्त करो, ये उसके जो है तरीका का होता है। ये नहीं है कि इंसाफ पसंदी का मुजाहरा करें, ठीक है। इंसाफ पसंदी का मुजाहरा पता नहीं वो क्यों नहीं करते, या फिर वो यही बात है कि वो एक मशरकी खवातीन के लिए तो बहुत ज्यादा ये मसले हैं, ठीक है, कि अपने शोहर को वो कुछ कह नहीं सकती या अपने शोहर को कुछ बता नहीं सकती, ठीक है। तो आज जो मैं आपको दुआ बताऊंगी ये भी बहुत नायाब दुआ है, अपने शोहर के लिए आप ये कर सकते हैं, अपने ससुराल से बचने के लिए ये दुआ कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा से लेकर आपने यर हमनी तक आप पढ़ेंगे, छोटी सी दुआ है, स्क्रीन पर चला दी गई है। तो आपने क्या करना है, इस दुआ को, ठीक है, आपने इस दुआ को मगरिब के टाइम या इशा के टाइम आपने ये दुआ करनी है। अगर आपको मगरिब इशा में दोनों में से कोई टाइम नहीं मिलता तो फिर आप फजर के टाइम सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ेंगे। तो 3 मरतबा पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ की जो आप मांगेंगे, अल्लाह पाक से जो दुआ आप मांगेंगे कि ऐ अल्लाह मुझ पर मेरे गुनाहों की वजह से कोई ऐसा शोहर या ससुराल मुसल्लत ना फरमा जो मेरे बारे में आपसे ना डरे और ना मुझ पर तरस खाए। ये एक बेटी की फरियाद के लिए दुआ की गई है कि एक बेटी ये दुआ करे, या एक बहन, या मेरी जो बहन है परेशान है अपने घरों में तो वो ये दुआ करे। तो यानी तरस ना खाए, यानी जालम शोहर या ससुराल से मेरी हिफाजत फरमा। तो अल्लाह पाक एक दीवार बीच में खला कायम कर देंगे, उस बच्ची के साथ हिसार कायम कर देंगे, 2 फरिश्ते इस दुआ के उस बच्ची के साथ खड़े हो जाएंगे और किसी की क्या मजाल कि कोई उसको बात भी कर जाए। लेकिन अगर वो बच्ची हक पर है, ठीक है, ये बहुत नायाब वजीफा है, फरिश्तों का बहुत इसमें अल्लाह पाक मदद करते हैं, अल्लाह पाक इंसान की मदद करते हैं, उस बहन की जो परेशान अपने घर में हो, परेशान मतलब कि शोहर की तरफ से परेशान हो या तकलीफ में हो, शोहर मारता हो तकलीफ पहुंचाता हो, ससुराल है मारते हो या तकलीफ पहुंचाते हो, हर वक्त एक अजाब की तरह उसकी जिंदगी हो, तो ये दुआ उसके लिए पढ़ी जाती है। बहुत नायाब दुआ है, जो मेरी बहन करना चाहती है उसको इजाजत है, मेरे जितने भी वज़ाइफ हैं उनको करने की इजाजत है, आप कर सकते हो, ठीक है। पर शरीयत के खिलाफ ना करें अपना, अगर खुदा ना खास्ता अगर खुद आपके अंदर कोई गलती है तो आप दोहराएं, आप उसको देखें कि आपके अंदर तो नहीं खुदा ना खास्ता गलती है, ठीक है, तो फिर ये वजीफा करें, इंशाल्लाह कभी भी कोई मसला आपके साथ ऐसा दरपेश नहीं आएगा। और एक जब हिसार कायम हो जाएगा तो कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। ये जो शादियों के नायाब वजीफे आपके साथ पेश किए जा रहे हैं बहुत पाकमाल है, आप लाजमन कीजिएगा। इजाजत दे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।